तुम किसका वेट कर रहे हो? वेट किसका कर रहे हो? आपके बालों पे से जब खेती उड़ जाएगी उस दिन का तुम वेट कर रहे हो? ना 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 ना, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आज मैं आपके साथ ऐसी 7 पावरफुल टिप्स शेयर करने वाला हूँ। हेयर फॉल भी नहीं होगा, रिसीडिंग हेयर लाइन प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो दैट्स द स्टिंग बॉयज, लेट्स हॉप इनटू। वन इज चूज द राइट हेयर स्टाइल। अब इस पॉइंट से मेरा क्या मतलब है, देखो कुछ ऐसे हेयर स्टाइल होते हैं जिसके अंदर हमें कुछ ज़्यादा ही फोर्स लगा के अपने बालों को स्टाइल करना होता है, जैसे कि स्लिक बैक हो गया, क्योंकि ज़्यादातर जो भी हेयर स्टाइल है उनके अंदर हमें बैकवर्ड हमें मोशन बहुत कराना होता है अपने बालों का, है ना। तो उसकी वजह से देखो क्या होता है, आपके कंघे और आपके बालों के बीच में जो फ्रिक्शन लगती है ना, उसकी वजह से आपके बाल टूट सकते हैं। और अगर आपके बाल नरिश्ड नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपको और बड़े स्केल पर आ सकती है। स्लिक बैक आपको नहीं करना है, थोड़ा सा साइड पार्ट कर लीजिए, लेकिन स्लिक बैक कम करिए थोड़ा सा। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है और रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है तो बैकवर्ड कम कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी जो हेयर जो बॉडी होती है ना, हेयर की भी बॉडी होती है, उस पर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उस पर स्ट्रेस पड़ता है, और स्ट्रेस पड़ेगा तो बेचारा टूट जाएगा। नंबर टू इज ईट बायोटिन रिच फूड्स, यानी जिनके अंदर बायोटिन होता है उन फूड्स को आपको खाना है। जैसे हमारी बॉडी को विटामिन चाहिए, वैसे हमें बाल हमारे बालों को भी कुछ खाने पीने को चाहिए। अब वैसे तो आपको बायोटिन सप्लीमेंट्स अलग से मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको क्या रेकमेंड करता हूँ, नेचुरल हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करो। अब कुछ नेचुरल बायोटिन रिच फूड्स के मैं नाम बताता हूँ, जैसे कि एग योक हो गया, बनाना हो गया, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, स्वीट पोटैटोज हो गए, और बाकी आपके सामने लिस्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आने वाली है। इन चीज़ों को आपने खाना है, क्योंकि ये हमारे जो बालों का वो अंदर से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और बाल अगर अंदर से स्ट्रांग हैं तो उन्हें बाहर से कोई भी हिला नहीं सकता, कोई भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। नंबर थ्री जो कि एक डाइट से रिलेटेड है, दैट इज इनटेक प्रोटीन। देखो यार, प्रोटीन आपको क्यों खाना है, ना ना ना, मसल के लिए तो आपको खाना तो आप खा सकते हैं, लेकिन आपको अपने बालों को बचाना है अभी उससे पहले, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हमारे जो बाल वो बने होते हैं कैरेटिन नाम के प्रोटीन के, तो आपको अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन खाना पड़ेगा। यानी कि आपको कोई भी सस्ता वस्ता प्रोटीन आपने खा लिया, आपको अच्छा प्रोटीन खाना है। आप सस्ते वस्ते से क्या मतलब है, आपने जंक फूड खा लिया और कहोगे कि हाँ भाई मुझे प्रोटीन मिल चुका है, कोई पंगा नहीं है। ना ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन्स खाने हैं। जैसे कि आपके सामने लिस्ट हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं है, जैसे कि एग्स हो गए, जिनके अंदर बेसिकली ज़्यादा रिच प्रोटीन होते हैं, जैसे कि एग्स, पल्सेस, और हाई क्वालिटी प्रोटीन्स आपको खाने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर से आपके काम आएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होगी तो हमारे बाल पतले हो जाएंगे और हेयर थिन होंगे तो वो जल्दी टूटेंगे। तो प्रोटीन आपको खाना है साथ के साथ, और अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो जल्दी लो यार, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। ऐसा कौन सा पॉइंट है, नंबर 4 है ना, नंबर 4 इज अनियन जूस। देखो यार, हेयर फॉल की बात हो रही है तो अनियन जूस को कैसे भूल सकते हैं, ये तो एक मैजिकल चीज है हमारे बालों के लिए। देखो अब आपको अनियन जूस कहाँ से मिलेगा, नहीं यार मैं आपको बाजार से नहीं खरीदना है, मैं आपके घर पे बनवाऊंगा, ये बहुत आसान है। देखो आपको एक प्याज लेना है, उसको छीलना है, उसको काटना है और उसको ग्राइंडर में डाल देना है, ठीक है। उसको फिर ऐसे उसके बाद आपको घुमाना है अच्छे से, और फिर आपके सामने जूस आएगा, उसको अपनी छन्नी की मदद से स्ट्रेन कर लेना है, आपको स्ट्रेन कर लेना है, वो जो जूस आएगा अनियन का उसको अपने बालों के अंदर मसाज करना है। और कमाल की चीज़ है यार ये, सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और आपने सुना भी होगा ज़्यादा, इसको मैक्सिमम यार हफ्ते में 2 बार ही करना है, ठीक है। 2 दिन चूज कर लो, जैसे कि संडे और एक वेडनेसडे, ठीक है, अपने बालों के अंदर लगाना है। और एक और फायदा क्या होगा, आपके बाल जो है वो रीग्रो होंगे, जैसे कहीं से आपको बाल ग्रो होना बंद हो गए थे ना, वहाँ से भी रीग्रो होंगे, और ये 101% नेचुरल चीज है, कोई केमिकल नहीं है, नेचुरल है, तो कमाल की चीज होने वाली है। नंबर 5 इज अप्लाई ऑयल इन अ करेक्ट वे। मैं आपने सुना होगा कि मसाज करनी है, बाल स्ट्रांग होते हैं, मैं मानता हूँ आपने इस बात को फॉलो बहुत करा है, लेकिन क्या आप सही तरीके से कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। अराउंड 95% लोग मसाज तो करते हैं लेकिन ढंग से नहीं करते। देखो गलती क्या होती है, वो अपने नाखूनों का यूज़ करते हैं तीखे तीखे पूरे अपने मसाज करने के लिए, जिससे क्या होता है, नाखून तो भैया तुम्हारे तीखे हैं ही, उससे आपकी मसाज तो नहीं हो रही लेकिन आपके बाल ज़रूर टूट रहे हैं। तो आपको अपनी फिंगर टिप्स का यूज़ करना है, पहली बात तो नाखून काट लो यार जाके, ठीक है,
नाखून काटो, उसके बाद आपको अपनी फिंगर टिप्स का यूज करना है, अच्छे से मसाज करना है और फर्मली करना है, ज्यादा हार्श तरीके से नहीं करना है। प्लस एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, आपको अपने बालों के अंदर थोड़े से ऐसे पार्टीशन निकाल लेने, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल गेरा, उसके बाद अच्छे से मसाज, फिर साइड चेंज, ऑयल गेरा, मसाज, ऐसे आपको करते रहना अपने पूरे बालों में ऐसे करना, और यही एक करेक्ट वे है। नंबर 6 इज अवॉइड स्ट्रेस। आई नो बॉयज, ये दुनिया स्ट्रेस से भरी हुई है, सभी को स्ट्रेस होता है, आपको भी स्ट्रेस आया होगा, मुझे भी स्ट्रेस आता रहता है, लेकिन आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, खुशी से जीना है आपको। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस जब होता है ना, हमारे हेयर पे, हमारी बॉडी पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और हमारे हेयर पर भी यही प्रॉब्लम पड़ती है, हमारे बाल पतले होने लग जाते हैं, और पतले हो जाते हैं तो वो जल्दी टूटने शुरू हो जाते हैं। तो स्ट्रेस भगाने के कुछ आपको मैं तरीके बता देता हूँ, ठीक है। दैट इज़, आप मेडिटेशन कर सकते हो, जो कि हमेशा नंबर वन रिकमेंडेशन रहेगी। 30 मिनट का, आपके पास 24 घंटे, 24 घंटे में से आपको सिर्फ 30 मिनट निकालने जहाँ पे आपको मेडिटेशन करना है, अपनी ब्रीथ पर आपको फोकस करना है, आप बहुत अच्छा फील करोगे। या फिर आप वर्कआउट कर सकते हो, या फिर आप मेरी वीडियोज देख सकते हो जहाँ पर आपको ज्ञान तो मिलता ही मिलता है, साथ के साथ आपको मजाक हंसी भी मिलती रहती है। एंड फाइनल नंबर 7 इज अ पैट ड्राई ऑल वेज। मैं बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ इस पॉइंट पे, पैट ड्राई है, मैंने पता नहीं कितनी बार मैं वीडियोस में ले आ चुका हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अराउंड 99% लोग कैसे अपने बालों को ड्राई करते हैं, हाँ कर आए अपने बाल, उनके बाल गीले हैं और उन पे टावल रखा और बहुत ही जोर से लगे पड़े। देखो और सब, और हेयर फॉल की प्रॉब्लम बताओ ना, यहीं से शुरू होती है। जिस दिन आपने हैबिट बंद कर दी, उसी दिन से आपका हेयर फॉल कम होना शुरू हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके इस हैबिट को हटाओ, पैड ड्राई करना है, हल्के से अपने बालों को ड्राई करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नहीं होगा तो किसका वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस डेफिनेटली कर देना, ताकि आपको स्टाइल, ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोज मिलती रहे। दैट्स प्रिटी बॉयज, सी यू नेक्स्ट टाइम।